काफ़ी पेशेंट ये मानते हैं कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो हैं बहुत अनसेफ होती हैं, इनकी वजह से लिवर किडनी इत्यादि पे बहुत ख़राब होता है। हाँ, ये बात एक किस्म से सच है कि हर एक दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो अगर हम ये रिस्क टू बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दवाइयाँ लेने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है। वैसे भी जब ये दवाइयाँ मार्केट में कभी लॉन्च होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल टेस्टिंग वगैरह कई हज़ारों पेशेंट्स पे कई सालों तक होती है, और जब दवाई को सेफ माना जाता है और तभी उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इसके तरह गवर्नमेंट तभी परमिशन देती है ताकि जब दवाई को पूरी तरह से सेफ माना जाता है। हाँ, और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहें ताकि कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो टाइम पे उसको पकड़ लेंगे और आपकी दवाइयों को चेंज कर देंगे या जैसा भी बंद करने की जरूरत है तो बंद कर देंगे।